नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद ये है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल सरगम रिकॉर्ड्स पर। मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त अजीत शर्मा। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नागमणि को लेकर। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी फिल्मों में नागमणि का जिक्र जरूर सुना होगा, नगीना फिल्म के अंदर या ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जिनमें नागमणि के बारे में बताया गया कि इच्छाधारी सांप होते हैं जिनके पास नागमणि होती है, उससे वो अपना रूप बदल सकते हैं। पर ये अफवाह थी। लोग सोचते हैं बस यही लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं जिसमें नागमणि का जिक्र होता है, लेकिन नागमणि हकीकत में होती है। जी हाँ दोस्तों, नागमणि हकीकत में होती है। आज का वीडियो उसी को लेके है। चैनल पर नए हैं, चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे नए नए वीडियो आपके मोबाइल में बड़ी आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें नागमणि के बारे में बताया जाता है। आपके दिमाग में अक्सर यही घूमता होगा, नागमणि नहीं है, बस ये झूठी कोरी कल्पना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, नागमणि हकीकत में है। और ये वीडियो आज उसी को लेके है कि नागमणि होती हैं और सच में होती हैं। आज हम आपको विद प्रूफ ये दिखाने जा रहे हैं कि नागमणि सच में होती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के गांव की, जहां पे दो शख्स ने नागमणि को देखा ही नहीं बल्कि उनकी फोटो भी खींची। चलिए आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाते हैं जिसमें आपको सब पता चल जाएगा कि नागमणि सच में होती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने फिल्म नगीना, नागमणि और नाग से संबंधित अनेक फिल्में, टीवी सीरियल्स और यहां तक की बहुत सारी वीडियो जरूर देखे होंगे। और हर कोई इच्छाधारी नाग और नागिन के साथ साथ नागमणि के संदर्भ में भी जानना चाहता है, लेकिन यह जानकारी सिर्फ कहानियों के माध्यम से काल्पनिक ही मानी जाती है। लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तव में ये अकल्पनीय सच को अपनी जीती जाती आंखों से देखा गोंदिया जिले के रावणवाड़ी पुलिस थाना के अंतर्गत दो युवाओं ने। ना सिर्फ इन दोनों ने नाग और नागमणि के दर्शन किए बल्कि इन्होंने नाग और नागमणि की तस्वीरें भी ली जो कि उनके मोबाइल में कैद हैं, जिनसे अब लोगों को पक्का यकीन हो गया कि नाग और नागमणि सच में होते हैं। नाग तो होते हैं पर नागमणि भी पक्का होती है। वास्तव में ईश्वर के बनाए गए संसार में चमत्कारों की कमी नहीं है और दुनिया में बड़े बड़े चमत्कारों में एक सच यह भी है कि वास्तव में नाग के अंदर वो एक दिव्य शक्ति होती है जिससे वह अपने अंदर नागमणि को समाये रखता है और समय आने पर नागमणि को अपने शरीर से वो बाहर भी निकाल लेता है। जी हाँ, गोंदिया जिले के रावणवाड़ी थाना के अंतर्गत गांव रत्नारा में यह चमत्कार गांव के ही निवासी योगी धामड़े और शैलेश बोरकर ने अपनी आंखों से देखा और फिर उन्होंने इस घटनाक्रम की तस्वीरें भी ली। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हम वीडियो बनाना चाहते थे लेकिन उस वक्त हम बहुत घबरा गए थे, तो इस घबराहट में हम वीडियो नहीं बना पाए, सिर्फ उनकी हमने तस्वीर ही ले पाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, नागमणि के बारे में आपकी अब क्या राय है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें।